कोरोना से मजीद 48 मरीज जान बहक। अमवात की तादाद 11,295 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,594 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 5,32,412 हो गई। फाइल केसेस की तादाद 34,628 हो गई। 1,981 अफराद सेहतियाब। पंजाब के मैदानी इलाकों में अलसुबह धुंध का राज। मोटरवे पर हद निगाह बेहतर होने पर बंद सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। शुमाली इलाकों मरी और गिलियात में बर्फ ही बर्फ। तफरीह के लिए आने वाले सयाह सेल्फियां लेकर लम्हात को यादगार बनाते रहे। वादी सवात के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। लाहौर में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। गोरा कब्रिस्तान टेक्साली के करीब जंपर ने 3 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को कुचल डाला। रेस्क्यू के मुताबिक तीनों मौका पर ही दम तोड़ गए। मरने वाले तीनों नौजवान कारपोरेशन चौक आउटफॉल रोड के रिहायशी थे। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में खोकर पैलेस के अतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। इंतजामिया भारी मशीनरी लेकर पहुंच गई। पुलिस अहलकार बड़ी तादाद में मौजूद। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस 6 रोज बाद 24 घंटे के लिए खुल गए। पीर की सुबह 8 बजे सीएनजी स्टेशंस को दोबारा बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के तरीक़ेकार पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ। मुस्लिम लीग नून को बिलावल भुट्टो की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पर एतराज़। एहसन इकबाल कहते हैं बिलावल के पास नंबर गेम पूरी है तो सामने ले आए। नंबर्स पूरे होने के बावजूद तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी। एक ही रास्ता है कि फैसला कुन लॉन्ग मार्च किया जाए। शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म को हटाने के लिए अदम एतमाद ही वाहिद आईनी रास्ता है। बिलावल अब सियासी बालिग हो चुके, इसलिए जलसे जुलूसों के हक में नहीं। शेख ने जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद पर नून लीग के एतराज़ को भी मुस्तरद कर दिया। कहा ब्रॉडशीट पर अगर अजमत सईद कबूल नहीं तो क्या इफ्तिखार चौधरी या मलिक क्यूम काबिल कबूल हैं। और कराची में निजी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम रेस का एहतमाम। ख़वातीन और बच्चों समेत हर उम्र के शहरियों ने हिस्सा लिया। रेस में प्रोफेशनल एथलीट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर समेत हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने दौड़ लगाई। इवेंट का मकसद कोरोना से आगाही पैदा करना है। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं सदब तुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। एलडीए का पुलिस की नफरी और भारी मशीनरी के साथ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। खोकर पैलेस के दो घर साफुल मलूक की रिहाइश का और अकबी दरवाजे की दीवारें गिरा दी गई। जिले इंतजामिया के मुताबिक खोकर पैलेस के करीब सैफ मार्केट गिराई जा रही है। खोकर पैलेस के दो घर सैफुल मलूक की रिहाइश का और अकबी दरवाजे की दीवारें भी गिरा दी गई हैं। खोकर पैलेस के करीब सैफ मार्केट गिराई जा रही है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से मालूमात फराहम की गई। ऑपरेशन के मनाजिर भी अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। अयूब चौक से खोकर पैलेस तक रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। पूरे इलाके को पुलिस ने घेरे में ले लिया है। खोकर पैलेस में 25 कनाल से जायद ज़मीन मुतनाज़ा है। तर्जुमान एलडीए की जानिब से ये बयान दिया गया। एलडीए का पुलिस की नफरी और भारी मशीनरी के साथ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अफजाल, बताइएगा ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल सदब, खोकर पैलेस और एलडीए के दरमियान जो है वो काफी अच्छे से जमीन का मुतनाजा चल रहा था और इससे पहले भी ऑपरेशन किया के लिए भारी पुलिस और जो है हमला पहुंचा, लेकिन वहाँ पे खोकर पैलेस के कारकुनों और उनके अफराद ने ऑपरेशन को नाकाम बना दिया। तो आज सुबह के वक्त जो है वो एलडीए
पुलिस और भारी मशीनरी के हमला ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया, जहां मीडिया को जो है वो अलाउ नहीं किया गया। अयूब मार्केट से लेकर खोखर मार्केट तक जाने वाले तमाम रास्ते पुलिस ने बंद किए हुए हैं। इस वक्त जो है वो अयूबिया मार्केट से जो रास्ता जाता है उसके दोनों उसके खोखर पैलेस में उसके भतीजे और भांजे का घर के अकबी दरवाजे मुसमार कर दिए हैं। और इसके साथ साथ जो है अभी जो है वो सैफुल मुल्क खोखर की जो नाम से जो मार्केट है वहाँ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तकरीबन 25 कनाल से ज्यादा अराजी का तनाजा जो है, एलडीए कहना है कि ये सरकारी जमीन है और इस पे जो है खोखर ने 86 दीवार के दौरान कब्जा किया था, जबकि सैफुल मुल्क खोखर का कहना है कि ये जमीन जो है हमारी सरकारी मिल्कियत है और हमारी मिल्कियत है, लेकिन एलडीए जो है वो सियासी पुष्पनाई की वजह से नवाज शरीफ के साथ वफादारी की वजह से हमारे घरों को मुसमार कर रहा है। लेकिन जो मसल जाती है इस वक्त जो है वकला की टीम भी वहां पहुंच गई और कारकुनों की बड़ी तादाद को भी जो है वो इन्फॉर्म किया गया कि वो मुखबर पहुंचे ताकि किसी तरीके जो बचाया जा सके। लेकिन पुलिस ने जो है वो उसके तब तमाम जाने वाले रास्ते जो है वो बंद किए गए हैं। इससे कबल जो है खोखर पैलेस के घराने के हवाले से खोखर बरादरान हाईकोर्ट में भी गए, लेकिन जो है एलडीए का मौका यह है कि चूंकि एलडीए वहां हमने अपने जो मौकों को पेश किया जिसकी वजह से हमें भरपूर कानूनी और अखलाकी तौर पर हम जो है वो मजबूत है, जिसकी वजह से आज ऑपरेशन किया गया है। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, लिहाजा कानून के मुताबिक ऑपरेशन किया जा रहा है। जबकि सैफुल मुल्क खोखर और अफजल मुल्क खोखर जो एम एन ए उनका कहना है ये सियासी जो है मुखालफत की वजह से हमारे भांजे और भांजे का घर गिराया गया। एलडीए का मौका था कि यहाँ नीचे से नाला गुजरता था, इस नाले के ऊपर उन्होंने अपना अकबी दरवाजा बनाया हुआ था जिसको वागरा करना हमारा मकसद है। चूंकि हुकूमत की तरफ से कब्जा ग्रुप के खिलाफ जो है वो बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। अभी इस वक्त थोड़ी देर बाद जो है तो ये की जा रही है कि डीसी और लाहौर की सरबराही में भी एक बड़ा ऑपरेशन जो है गुलशन इकबाल के इलाके में होने वाला है, जिससे ये पूरे लाहौर में जो है ऑपरेशन का एक भरपूर आगाज किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब, आपने हमें अपडेट किया। एक्सप्रेस न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ातरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो रही हर खबर से बाखबर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पैलेस के दो घर सैफुल मुल्क की रिहाइश का और अकबी दरवाजे की दीवारें गिरा दी गईं। जिले इंतजामिया के मुताबिक खोखर पैलेस के करीब सैफ मार्केट गिराई जा रही है। खोखर पैलेस के दो घर सैफुल मुल्क की रिहाइश का और अकबी दरवाजे की दीवारें भी गिरा दी गई हैं। खोखर पैलेस के करीब सैफ मार्केट गिराई जा रही है। जिले इंतजामिया की जानिब से मालूमात फराहम की गई। ऑपरेशन के मनाजिर भी अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। अयूब चौक से खोखर पैलेस तक रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। पूरे इलाके को पुलिस ने घेरे में ले लिया है। खोखर पैलेस में 25 कनाल से जायद जमीन मुतनाजा है। तर्जुमान एलडीए की जानिब से ये बयान दिया गया। एलडीए का पुलिस की नफरी और भारी मशीनरी के साथ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अफजाल बताइएगा, ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, सदर खोखर पैलेस और एलडीए के दरमियान जो है वो काफी अर्से से जमीन का मुतनाजा चल रहा था और इससे पहले भी ऑपरेशन किया के लिए भारी पुलिस और जो है अमला पहुंचा, लेकिन वहां पे खोखर पैलेस के कारकुनों और उनके अफराद ने ऑपरेशन को नाकाम बना दिया। तो आज सुबह के वक्त जो है वो एलडीए पुलिस और भारी मशीनरी के हमला ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया, जहां मीडिया को जो है वो अलाउ नहीं किया गया। अयूब मार्केट से लेकर खोखर मार्केट तक जाने वाले तमाम रास्ते पुलिस ने बंद किए हुए हैं। इस वक्त जो है वो अयूबिया मार्केट से जो रास्ता जाता है उसके दोनों उसके खोखर पैलेस में उसके भतीजे और भांजे का घर के अकबी दरवाजे मुसमार कर दिए हैं। और इसके साथ साथ जो है अभी जो है वो सैफुल मुल्क खोखर की जो नाम से जो मार्केट है वहाँ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तकरीबन 25 कनाल से ज्यादा अराजी का तनाजा जो है, एलडीए कहना है कि ये सरकारी जमीन है और इस पे जो है खोखर ने 86 दीवार के दौरान कब्जा किया था, जबकि सैफुल मुल्क खोखर का कहना है कि ये जमीन जो है हमारी सरकारी मिल्कियत है और हमारी मिल्कियत है, लेकिन एलडीए जो है वो सियासी पुष्पनाई की वजह से नवाज शरीफ के साथ वफादारी की वजह से हमारे घरों को मुसमार कर रहा है। लेकिन जो मसल जाती है इस वक्त जो है वकला की टीम भी वहां पहुंच गई और कारकुनों की बड़ी तादाद को भी जो है वो इन्फॉर्म किया गया कि वो मुखबर पहुंचे ताकि किसी तरीके जो बचाया जा सके। लेकिन पुलिस ने जो है वो उसके तब तमाम जाने वाले रास्ते जो है वो बंद किए गए हैं। इससे कबल जो है खोखर पैलेस के घराने के हवाले से खोखर बरादरान हाईकोर्ट में भी गए, लेकिन जो है एलडीए का मौका यह है कि
चुके हैं एलडी, वहाँ हमने अपने जो मौकों को पेश किया जिसकी वजह से हमें भरपूर कानूनी और अखलाकी तौर पर हम जो है वो मजबूत है, जिसकी वजह से आज ऑपरेशन किया गया है। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, लिहाजा कानून के मुताबिक ऑपरेशन किया जा रहा है। जबकि सैफुल मलूक खोखर और अफजल मलूक खोखर जो एम एन ए, उनका कहना है ये सियासी जो है मुखालफत की वजह से हमारे भांजे और भांजे का घर गिराया गया। एल डी का मौका था कि यहाँ नीचे नाला गुजरता था, इस नाले के ऊपर उन्होंने अपना भी दरवाजा बनाया हुआ था जिसको वागवरा करना हमारा हमारा मकसद है। चूंकि हुकूमत की तरफ से कब्जा ग्रुप के खिलाफ जो है वो बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, अभी इस वक्त थोड़ी देर बाद जो है तो ये की जा रही है कि डीसी और लाहौर की सरबराही में भी एक बड़ा ऑपरेशन जो है गुलशन इकबाल के इलाके में होने वाला है, जिससे ये पूरे लाहौर में जो है ऑपरेशन का एक भरपूर आगाज किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल तालिब, आपने हमें अपडेट किया। एक्सप्रेस न्यूज से अब तक के लिए इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो रही हर खबर से बाखबर एक्सप्रेस न्यूज के साथ।